आखिर कैसे दुनिया की सबसे खतरनाक युद्ध तकनीक चीन ने भारतीयों से चुराई थी? आज की दुनिया में मार्शल आर्ट्स चीन में सबसे ज्यादा फेमस है, जिससे कई लोग ये मानते हैं कि इसकी शुरुआत भी वहीं से हुई थी। लेकिन सच इसे बहुत दूर है। मार्शल आर्ट मलयुद्ध से प्रेरित एक प्राचीन भारतीय युद्ध तकनीक थी, जिसमें दो योद्धा बिना हथियारों के युद्ध करते थे। प्राचीन काल में ईस्टर्न इंडिया मुख्य रूप से मार्शल आर्ट्स का गढ़ था। जब भी मार्शल आर्ट्स का नाम लिया जाता है, तब बोध धर्म का नाम सबसे पहले आता है, जो प्राचीन भारत में एक युद्ध कला के अध्यापक थे, जिन्होंने अपनी शिक्षा को एक चीनी बौद्ध भिक्षु को दिया, और देखते ही देखते मार्शल आर्ट्स उनके शिष्यों के जरिए पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन यह सबसे ज्यादा फेमस चाइना में हुई। चाइना को मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल करने में बोध धर्म का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसे हम चाइना के कई बौद्ध मंदिरों में उनकी मूर्तियों में देख सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि मार्शल आर्ट्स की असली शुरुआत प्राचीन भारत से हुई थी, और अनजाने में ही चाइना को इसके आविष्कार का क्रेडिट मिल गया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए फॉलो करें हमारे चैनल फैक्ट अलर्ट को।